आपका हमारी ये चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और ये आपका है सीट नंबर 3। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे, तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज सीट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का सम है। अब जो हमको डेटा दिया है वो डेटा हम लोग साइड वाले कॉलम है उसमें भर देंगे। तो यहाँ पे जो लाइन दिया है, लाइन सी डी हुज एलिवेशन इज 65 एंड प्लान इज 55। तो ओरिजिनल जो लेंथ है उसको हमको नाम दिया है दैट इज लाइन इज सी डी। फिर हमको दिया है लेट से एलिवेशन लेंथ इज इक्वल टू 65 एंड प्लान लेंथ इज इक्वल टू 55 एंड वन ऑफ द एंड्स ऑफ द लाइन इज 50 mm अबाव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो हमको एक पॉइंट दिया है, लेट से पॉइंट हम लोग सी के बारे में बात करें, सी इज 15 mm अबाव एच पी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से 15 अबाव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब हमको उसके प्रोजेक्शन फाइंड करना है, और एक और डेटा दिया है इफ़ इट्स एलिवेशन इज इंक्लाइंड एट 45 degree टू एक्स वाई लाइन। जो एलिवेशन का एंगल है दैट इज अल्फा, दैट इज इक्वल टू 45 degree। अब दोस्तों हमारा ये केस है, हमको एलिवेशन है, हमारे पास प्लान है यानी कि एलिवेशन प्लान, और हमारे पास एक एंगल है दैट इज इक्वल टू 45, और वो है हमारा एलिवेशन एंगल। तो हम लोग एक्स वाई लाइन से करेंगे, लेट से मैंने ये एक्स वाई लाइन बना दी। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद हम लोग जो प्रोजेक्शन है सी, जो पॉइंट दिया है, सबसे पहले हम लोग सी का प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे मार्किंग करेंगे। लेट से पॉइंट सी इज 15 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि वो एक्स वाई से 15 mm ऊपर रहेगा और 20 mm वो एक्स वाई लाइन से नीचे रहेगा। जो ऊपर हमने जो पॉइंट मार्क किया है वो है सी का एलिवेशन, और एक्स वाई लाइन के जो नीचे मार्क किया है वो है हमारा सी का प्लान, वो रहेगा 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि 20 mm बिलो एक्स वाई लाइन। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि एलिवेशन और प्लान जो हमको दिया है दो में से किसी एक को हम लोग पैरेलल करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और उसकी साइज होगी प्लान की, यानी कि प्लान हमारा है 55। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया योर प्लान इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, लेट से ये मैंने मार्क किया डी पैरेलल। अब बेसिकली क्या होगा कि उसके रिस्पेक्टिव जो ऊपर हमको जो लाइन मिलेगी वो हमको देगा बेसिकली ट्रू लेंथ। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सी डी लाइन एक पैरेलल बनाएंगे, वो हमारा प्लान है, ये हमारा प्लान लेंथ है, लेकिन हमने क्या किया उसको पैरेलल बनाया। अब एग्जैक्टली ऊपर जो हमको मिलेगा दैट इज अ ट्रू लेंथ। अब हमारे पास एक और डेटा है दैट इज अल्फा। अल्फा बेसिकली क्या होगा, तो अल्फा बेसिकली हम लोग बनाएंगे एलिवेशन के लिए, और 45 डिग्री हम लोग मेजर करेंगे ऊपर की साइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 45 का एक एंगल लेंगे, लेट से 45। तो 45 का एंगल लेके यहाँ पे हम लोग जो एलिवेशन है वो एलिवेशन की यहाँ पे हमने लाइन बनाई। अब हमको तो उसको बताया कि एलिवेशन की लंबाई कितनी है, तो 65। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक 65 का आर्क लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, इट्स 65। जैसे ही मान लो ये हमारा बन गया, ये हमारा डी डैश है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ हमारा एलिवेशन है, वो एक्चुअल पोजीशन है। अब कि जैसे मैंने यहाँ पे सी डी हमने क्या किया पैरेलल लिया, उसके बाद यहाँ से जो एलिवेशन है, यहाँ से जो हमको डेटा में दिया है कि दिस इज अल्फा एलिवेशन एंगल इज इक्वल टू लेट से 45 degree। तो हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक अल्फा बनाया दैट इज 45 degree, और एलिवेशन का लेंथ हमारा जो था दैट इज इक्वल टू 65, जो 65 मैंने यहाँ पे लगाया, और ये जो पॉइंट है मैंने डिटेल्स मार्क किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ से हम लोग लोकस बनाएंगे, ये लोकस बेसिकली क्या करता है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन हमको डी डैश और डी डैश टी एल यानी कि टू लेंथ का दूसरा पॉइंट यहाँ पे देगी। ऑलरेडी मैंने एक बार आपको बताया था ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा दैट इज डी डैश टी एल, और
यहां से जो लाइन बनेगी वो हमको देगी फाइनली टू लेंथ, ये टू लेंथ, ये टू लेंथ को आप मेजर करके यहां पे आंसर में लिख सकते हो, दिस इज माय टू लेंथ। दूसरा आप ये भी एंगल लिख सकते हो, जैसे मान लो टू लेंथ एक्स वाई के साथ जो एंगल बनाएगा तो वो एंगल हमको क्या मिलेगा, तो वो एंगल हमको मिल जाएगा, लेट्स से दिस एंगल इज नोन एज थीटा। अब हमको एक फाइंड करना है लेट्स से प्लान में। अब नॉर्मली क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्टर जहाँ से भी प्रोजेक्टर लेट्स से डीडा से, यही एक लाइन बनेगी, इसके ऊपर कहीं पे आपका डी यानी कि प्लान वाला पॉइंट आएगा। अब ऑलरेडी हमारे पास प्लान लेंथ इतनी है ही, ये प्लान लेंथ मैं यहाँ से जैसे बना लेता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मुझे मिल जाएगा वो एक्जैक्टली मिलेगा। हाँ अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लान एक पैरेलल बनाया, उसके ऊपर रेफरेंस में मेरी टू लेंथ आ गई, ये हमको एलिवेशन का दूसरा पॉइंट मिला डी डैश। जैसे ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे और ये प्लान को मैंने क्या किया, यहाँ से रोटेट किया, वो मुझे एग्जैक्ट पोजिशन देगा हमारा प्लान की डी। अब ये जो डी है यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं सी और डी में ज्वाइन कर लूँगा, सी और डी ज्वाइन करेंगे, ये हमारी एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ प्लान है, प्लान एक्स वाई के साथ जो एंगल बनेगा वो हमको मिल जाएगा लेट्स से बीटा। तो बीटा भी हमको फाइंड करना है, तो बीटा जैसे ये फाइंड करके मेज़र करके हमको लिखना है। दूसरा क्या होगा, हम लोग एक लोकस यहाँ पे भी बनाएंगे और जो हमारा टू लेंथ मिला है, जो हमारा ऊपर टू लेंथ मिला है, जैसे हमारा टू लेंथ यहाँ पे मिल गया इतना ही है, हाँ जो टू लेंथ हमको मिला है, जो इतना हमको लेना है, इतनी आर्क लेके हमको यहाँ से एक आर्क बनाना है 75। और जो 75 मैंने आर्क बनाया वो 75 का आर्क यहाँ से मैं जैसे लगा देता हूँ तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा लेट्स से DTL। ये मेरा टू लेंथ मैंने यहाँ पे मार्क किया और टू लेंथ एक्स वाई के साथ जो एंगल बनाएगा ये हमको मिल जाएगा एक्चुअल एंगल विद वर्टिकल प्लेन दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि अगर यहाँ पे आप देखोगे यू विल गेट थीटा, यू विल गेट फाई, यू विल गेट एलिवेशन एंगल कट। हाँ देखो अब क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिल गया है लेट से प्लान एंगल बीटा, यहाँ पे आपका फाई, यहाँ पे आपको मिल गया है लेट से थीटा और यहाँ पे जो आपको मिल गया है अल्फा। तो दोस्तों ये है सीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप ये हमारी चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे आपको पेपर्स के सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे और आगे वाली सीट्स के भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फाइनली आई इंसिस्ट यू टू लर्न पर्सनली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो कम ऑन ज्वाइन शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस।